Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, कुछ महिलाओं की जो पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो रेगुलर होती है, कुछ महिलाओं की इरेगुलर होती है, कुछ महिलाओं की शॉर्ट होती है, कुछ महिलाओं की लॉन्ग होती है। और दिक्कत तब आती है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हो और आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है। इस कंडीशन में आपको समझ नहीं आता है कि कब आपका ओवुलेशन हो रहा है, कब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपकी बॉडी में कौन से लक्षण सबसे पहले दिखाई दे सकते हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ। जिन भी फीमेल्स की इरेगुलर पीरियड साइकिल है, इरेगुलर पीरियड साइकिल का मतलब है अगर हर महीने आपको डेट पे पीरियड नहीं आता, टाइम पे पीरियड नहीं आता, 2 दिन लेट आता है, 5 दिन लेट आता है, 1 हफ्ता लेट आता है, या आपकी जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 35 दिन से ऊपर की है, तो ये इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आता है। और आज के टाइम पे जो लाइफस्टाइल है उस कंडीशन में बहुत सी महिलाओं की पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट करती है। तो इस कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो इस वीडियो से जान सकते हैं पीरियड आने से पहले ही कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो इरेगुलर पीरियड की कंडीशन में भी आपको पीरियड आने से पहले महसूस हो सकते हैं। तो चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो या इरेगुलर, दोनों ही कंडीशन में प्रोसेस सेम होता है, यानी बच्चा यूट्रन लाइनिंग में ही इम्प्लांट होता है। जब इम्प्लांट होता है तो उसी के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो बनना शुरू हो जाता है। और एचसीजी हार्मोन जो महिलाओं की बॉडी में बनता है तो महिलाओं की बॉडी में बहुत नए नए से बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन में ही एचसीजी हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और एचसीजी हार्मोन डे बाय डे बढ़ता है। तो इरेगुलर पीरियड की कंडीशन में भी ऐसा ही होता है। तो कुछ महिलाओं के केसेस में जो एचसीजी हार्मोन का लेवल है जैसे ही बढ़ता है तो महिलाओं की बॉडी में चेंज सडन दिखाई देने लगते हैं। बट कुछ महिलाओं के केसेस में जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है, एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम लगता है कुछ महिलाओं के केसेस में। और कुछ महिलाओं के केस में जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम से ही प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी अच्छी खासी दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी आपको जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले, पीरियड डेट से 2-4 दिन पहले, पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट के 2-3 दिन बाद महसूस हो सकते हैं। बट सबसे पहले आपको जो लक्षण महसूस हो सकते हैं उसमें है नौजिया फीलिंग। सिर्फ नौजिया फीलिंग होती है, वॉमिटिंग नहीं आती है, जी मचलता है, उबकाई आती है, उल्टी आने जैसा महसूस होता है। बट ये जो फीलिंग है ज़्यादातर महिलाओं में सिर्फ मॉर्निंग में ही फील होगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक दिन होगी, लगातार आप महसूस करेंगे कि सुबह मॉर्निंग में ऐसी फीलिंग आपको डेली हो रही है। अगर एक दिन हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ उल्टा सीधा आपने रात को खा लिया होगा जो अच्छी तरीके से पचा नहीं है, उसकी वजह से ये हो रहा है। बट डेली अगर मॉर्निंग में आपको नॉजेटिक फील हो रहा है, उल्टी आने जैसा फील हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका प्रेगनेंसी का साइन है। बट एक लक्षण पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो जो दूसरा लक्षण है वो है पेन, दर्द होना। ये दर्द भी आपको नौजिया फीलिंग के साथ ही महसूस होगा, नाभि के नीचे जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेनली जहाँ पे आपका यूट्रस है। जहाँ पे यूट्रस है वहीं पे बच्चा इम्प्लांट हुआ है, उसी जगह पे आपको ये दर्द होगा। इस दर्द में आपको ऐसा लगेगा कि पीरियड आने वाली है। पर जो पीरियड आने से पहले पेन होता है वो मसल पेन की तरह होता है। जैसे आपके मसल में पेन होता है उसी तरीके का पेन अगर आपको नाभि के नीचे हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पीरियड आने वाली है। बट गाइस जो प्रेगनेंसी का पेन होगा आपको नाभि के नीचे, वो भी जी मचलाने के साथ साथ ये भी आपको मॉर्निंग में ही फील होगा। आपको मॉर्निंग में हर टाइम ये लगेगा कि आपकी पीरियड आ जाएंगी, और पीरियड नहीं आती है, क्योंकि ये जो पेन होता है प्रेगनेंसी का, सबसे पहली बात ये माइल्ड टू मॉडरेट ही होता है और ज़्यादातर आपको मॉर्निंग में ही फील होगा जब आपको जी मचलने जैसा महसूस होगा। और साथ ही साथ आपको ये पेन बहुत कम होता है, ज़्यादा तेज नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, आता है और चला जाता है। इसमें आपको हल्का हल्का सा अनकंफर्टेबल भी होता है, पुलिंग जैसे सेंसेशन भी होती है, हल्का हल्का सा आपको खिंचाव भी महसूस होता है। ये जो सेंसेशन है आपको आपके पेल्विक एरिया में, वजाइना में भी फील होने लग जाती है। हल्की हल्की सी पेट में बर्निंग जैसी सेंसेशन भी आपको हो सकती है। आपको अपने निचले अंगों में हल्की हल्की सी स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है। ये जो सब पेन है ये सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। बट आपको ये नोटिस करना है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको दोनों जो लक्षण हैं ये मॉर्निंग में ही होंगे और लगातार होंगे, और इस कंडीशन में आपका पीरियड एंड डेट 101% मिस हो जाएगा। पीरियड डेट मिस हो गया है तो आप 90% श्योर हो गए हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, बट 101% श्योरिटी के लिए आपको यूपीटी करना ज़रूरी है। तो यूपीटी आप पीरियड डेट के एक हफ्ते बाद कर लीजिए, जो दर्शाएगा कि आपकी बॉडी में जो दो लक्षण हो रहे थे लगातार वो आपके प्रेगनेंसी का ही साइन था। सो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को जान सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।